दोस्तों इंडिया में एक आम आदमी भी चाहे तो एरोप्लेन में ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि आज एयर ट्रैवल की कीमत मिनिमम 5,000 रुपए तक सिमट गई। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब प्लेन में ट्रैवल करना सिर्फ अमीर लोगों के लिए चीज थी। आज इसे मुमकिन हो पाया तो बस एविएशन सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन की मदद से। जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ तब से इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने भारतीय एविएशन सेक्टर में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और आज हालात ऐसे हैं कि इंडिगो एविएशन में नंबर वन बन गया है और एविएशन मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। क्या इंडिगो के बनने की कहानी और कैसे उसने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। बता दें कि इंडिगो की शुरुआत बाकी प्रोडक्ट्स या कंपनियों की शुरुआत की तरह अचानक से बिना किसी एक्सपीरियंस के नहीं हुई थी, बल्कि इसे काफी प्लानिंग के साथ सोच समझ कर शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत की थी राहुल भाटिया ने। बता दें राहुल भारत की राजधानी दिल्ली के रहने वाले और इनकी पढ़ाई कनाडा में हुई है, जिसके बाद ये फिर इंडिया आ गए। इनके पिता कपिल भाटिया ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस करते थे, लेकिन राहुल अपने पिता के बिजनेस में नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कई दूसरे बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन मामला जमा नहीं। इसी बीच राहुल के पिता बीमार पड़ गए, पिता के बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी राहुल पर आ गई। राहुल ने अपने पिता के बिजनेस, जिसका नाम दिल्ली एक्सप्रेस था, उसे अपने हाथ में लिया। राहुल ने कंपनी का नाम इंटर ग्लोब एंटरप्राइज रखा और एयरलाइन टिकट की फ्रेंचाइजी ले ली, जिसके बाद लंबे समय तक उन्होंने इसी सेक्टर में काम किया। वहीं दूसरी तरफ राकेश गंगवाल, जो राहुल के अमेरिकी दोस्त थे, वो उनसे भी कांटेक्ट में रहते थे। राकेश कई बड़ी एयरवेज कंपनीज में काम कर चुके थे और उन्हें सेक्टर का काफी अच्छा नॉलेज था। वो बिजनेस की बात करते तो उनमें एविएशन इंडस्ट्री का जिक्र होता ही रहता था। अब अगर बात करें उस डर कि भारत की एविएशन सेक्टर की, तो उन दिनों भारत में किंगफिशर जेट और स्पाइस जेट जैसी कई प्राइवेट एयरलाइंस काफी पैसा कमा रही थी, पॉपुलर हो रही थी, जिसके चलते राहुल ने राकेश के सामने एक प्राइवेट एयरलाइन को शुरू करने का ऑफर रखा। राकेश एविएशन इंडस्ट्री को अंदर से जानते थे और ये भी जानते थे कि जो प्राइवेट एयरलाइंस आज चमक रही हैं, वे अंदर से काफी नुकसान झेल रही हैं। एविएशन इंडस्ट्री में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छी तरह सोच समझ लेने के बाद राकेश ने पार्टनरशिप के लिए हामी भर दी और इस तरह साल 2004 में इंटर ग्लोब एविएशन की शुरुआत हुई और इन्हें एयरलाइन शुरू करने का लाइसेंस मिल गया। इंडिगो आज भले ही देश की सबसे बड़ी एयरलाइन हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिगो उधार के पैसों से शुरू हुई थी। इस कंपनी ने अपने लिए सबसे पहले शुरू में उधारी पर विमान खरीदे थे, लेकिन विमान खरीद कर ये कंपनी काफी सुर्खियों में आ गई थी, जिसके चलते काफी सारे लोग इंडिगो को जानने लगे थे। असल में कंपनी को अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस साल 2004 में मिल गया था, लेकिन इसने अपनी सेवाएं शुरू नहीं की थी। साल 2006 तक ही अपनी सेवाएं शुरू नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनके पास प्लेन्स नहीं थे। उस समय मार्केट काफी बुरे दौर से गुजर रही थी, प्लेन के फ्यूल की कीमत आसमान छू रही थी, जिस कारण किंग फिशर जैसी कंपनियां परेशानी का सामना कर रही थी। इसी दौरान एक बड़ी खबर आई, इंडिगो ने 100 प्लेन्स खरीदे। ये प्लेन्स इंडिगो ने पेरिस एयर शो के दौरान एयरबस नाम की कंपनी से खरीदे थे। इंडिगो के पास उस समय सिर्फ 100 करोड़ रुपए थे। एयरबस ने राकेश गंगवाल के साथ पहचान होने के कारण उधारी पर 100 प्लेन्स दे दी और कंपनी चल पड़ी। 4 अगस्त 2006 से कंपनी ने अपनी उड़ान शुरू की। इंडिगो ने 100 विमानों के साथ साल 2006 में अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन साल 2011 में कंपनी ने एक बार फिर लोगों को हैरान कर दिया। इंडिगो ने एयरबस को 180 विमान का ऑर्डर दिया, जिसके बाद कंपनी ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी शुरू कर दिया। इंडिगो कैसे सफल हुई? इंडिगो जिस समय भारत में लॉन्च हुई, वो समय एविएशन इंडस्ट्री के लिए मुश्किल का दौर था। ऐसे दौर में भी इंडिगो ने अच्छी कमाई की और सफलता हासिल की। इस सफलता के पीछे मुख्य कारण है, इंडिगो जब लॉन्च हुई तो ज्यादातर प्लेन कंपनियां अमीर कस्टमर पर फोकस करती थी। वो उन्हें महंगे टिकट पर अच्छी सर्विसेज देना चाहती थी, जिसके कारण हर व्यक्ति विमान के टिकट नहीं खरीद पाता था और ना ही उनमें सफर कर पाता था। वहीं दूसरी ओर इंडिगो ने अपने कस्टमर बेस उन लोगों को बनाया जो सस्ते में हवाई यात्रा करना चाहते हैं। इंडिगो ने अपने टिकट के दाम कम रखे और अपने कस्टमर बेस को बढ़ाया, जिससे इंडिगो के ज्यादा से ज्यादा टिकट बिके और उसे नुकसान ना के बराबर हुआ। इंडिगो में राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया थे। राहुल भाटिया भारत की ट्रैवल इंडस्ट्री को पहले से जानते थे, उन्हें अच्छी तरह से पता था कि भारत के लोग किस तरह की एविएशन इंडस्ट्री चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर राकेश गंगवाल, जो एविएशन इंडस्ट्री में लंबे समय से काम कर रहे थे और एविएशन इंडस्ट्री की नस-नस को जानते थे, राकेश गंगवाल अपने अनुभव पर 100 विमान उधारी पर इंडिगो के लिए लेकर आए थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इंडिगो की सफलता का तीसरा और प्रमुख कारण ये है कि इंडिगो ने शुरुआत में अपनी सेवाओं को भारत के अंदर दिया। उसने इंटरनेशनल फ्लाइट पर अपना फोकस शुरू में कम रखा। इंटरनेशनल फ्लाइट का खर्च काफी ज्यादा है और यह काफी महंगा भी होता है, और इंडिगो को एकदम से इतने कस्टमर मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में पहले से दिग्गज विमान कंपनियां अपने पैर जमा चुकी थी। ऐसे में इंडिगो ने भारत के प्रमुख शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने का काम किया और कम कीमतों पर लोगों को हवाई यात्रा देने का सपना पूरा किया। इंडिगो ने अपना बिजनेस तो पूरा किया ही, साथ ही लोगों का सपना भी पूरा किया। हवाई जहाज में घूमना एक मिडिल क्लास और गरीब परिवार के लोगों के लिए सपना ही होता है।
लेकिन इंडिगो ने लोगों के सपने को पूरा किया और उन्हें सस्ती हवाई यात्रा दी। इस वजह से जो लोग कभी हवाई जहाज में यात्रा का सपना देखते थे, इंडिगो ने इसे पूरा किया और इसी वजह से इंडिगो का कस्टमर बेस बहुत तेजी से बढ़ा। इंडिगो सिर्फ एक छोटी मोटी कंपनी बनकर नहीं रही, बल्कि इंडिगो को आगे बढ़ाने के लिए राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल इन्वेस्टमेंट लेकर आए, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी और कंपनी को शेयर मार्केट में जाने का मौका मिल गया। जब कंपनी का आईपीओ आया तो कंपनी को और भी फायदा हुआ और कंपनी के पास आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा पैसा आया, जिससे कंपनी ने इंटरनेशनल सेक्टर पर भी फोकस किया। फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में जबरदस्त तेजी आई है। इस साल हवाई जहाज में सफर करने वालों की संख्या में 47% की बढ़ोतरी हुई। सिर्फ दिसंबर में इसमें 14% का उछाल आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से दिसंबर 2022 में सभी एयरलाइंस के यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये संख्या 123 मिलियन तक पहुंच गई है। पिछले साल ये आंकड़ा 83 मिलियन का था। फ्लाइट इंडिगो बना फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों की पहली पसंद। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में घरेलू विमान यात्रियों की संख्या सालाना आधार पर 13.69% बढ़ी है। ये संख्या 127.35 लाख तक पहुंच गई है। इसका सबसे ज्यादा लाभ इंडिगो को हुआ है। इंडिगो से 69.97 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी है। इंडिगो ने घरेलू विमान क्षेत्र में 54.9% हिस्सेदारी के साथ दिसंबर के दौरान दूसरी एयरलाइन से कहीं आगे उड़ान भरी, जबकि विस्तारा और एयर इंडिया ने 9.2% बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। विमानन नियामक DGCA के दिसंबर के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस महीने के दौरान इंडिगो में 69.97 लाख हवाई यात्रियों ने सफर किया, जबकि विस्तारा में 11.70 लाख और एयर इंडिया में 11.71 लाख यात्रियों ने सफर किया। 9.51 लाख हवाई यात्रियों के साथ गो एयर की दिसंबर के दौरान बाजार हिस्सेदारी 7.5%। टाटा की एयर इंडिया किस नंबर पर? वर्ष 2022 में इंडिगो ने 690.93 लाख यात्रियों को लेकर 56.1% की बाजार हिस्सेदारी हासिल की, जबकि विस्तारा की 113.59 लाख यात्रियों के साथ 9.2% की बाजार हिस्सेदारी थी और एयर इंडिया की 107.74 लाख हवाई यात्रियों के साथ 8.7% बाजार की हिस्सेदारी थी। गुरुवार को जारी DGCA के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 महीने के लिए अनुसूचित घरेलू एयरलाइन की कुल रद्दीकरण दर 0.79% रही है। रद्दीकरण के मुख्य कारणों की पहचान मौसम, तकनीकी या परिचालन के रूप में की गई है। दिसंबर के दौरान सबसे ज्यादा 81.1% उड़ानें मौसम संबंधी कारणों से और 7.8% तकनीकी कारणों से रद्द की गई। घरेलू हवाई यातायात में वृद्धि जारी है। जनवरी दिसंबर 2022 के दौरान घरेलू एयरलाइनों द्वारा ले जाए गए यात्री पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान 8.38 करोड़ की तुलना में 12.32 करोड़ थे, जिससे 47.05% की वार्षिक वृद्धि और 13.69% की मासिक वृद्धि दर्ज की गई है। DGCA द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में दिसंबर के दौरान घरेलू एयरलाइंस द्वारा 1.27 करोड़ यात्रियों को ले जाया गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान ये संख्या 1.12 करोड़ थी। इंडिगो की उड़ान दुनिया की छठी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बनी। ग्लोबल ट्रैवल डेटा प्रोवाइड करने वाली OAG मंथली डेटा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी 20 एयरलाइन की लिस्ट जारी करती है। इंडिगो इस लिस्ट में जगह बनाने वाली इंडिया की इकलौती एयरलाइन है। नई दिल्ली एयरलाइन कंपनी इंडिगो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बन गई है। ग्लोबल ट्रैवल डेटा प्रदान करने वाली एजेंसी ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ने बताया कि पैसेंजर की संख्या के लिहाज से इंडिगो मार्च में दुनिया के छठे पायदान पर रही है। इंडिगो लो कॉस्ट एयरलाइन है, यानी कम प्राइस पर हवाई सफर का मौका देती है। इंग्लैंड मुख्यालय वाली OAG के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट से मार्च में 2 लाख लोगों ने सफर किया है। एशिया में सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े 28 मार्च तक के हैं। सीट कैपेसिटी के लिहाज से मार्च में दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस में भी शामिल रही है। OAG मंथली डेटा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी 20 एयरलाइंस की सूची जारी की जाती है। इस लिस्ट में शामिल होने वाली इंडिगो भारत की इकलौती कंपनी है। घरेलू एविएशन मार्केट में भी इंडिगो नंबर 1 पायदान पर है। इसकी बाजार हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। प्राइवेट एयरलाइंस जेट एयरवेज के बंद होने से इंडिगो को काफी फायदा मिला था। इंडिगो ने अगस्त 2006 में उड़ाने शुरू की। शुरुआत में इसके पास सिर्फ एक जहाज था। आज इसके बेड़े में 276 एयरक्राफ्ट हैं। जनवरी 2022 के डेटा के अनुसार घरेलू एविएशन मार्केट में इसकी बाजार हिस्सेदारी 55.5% है। ये 97 डेस्टिनेशन के लिए हवाई सेवाएं देती है।
इनमें 73 डोमेस्टिक और 24 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन शामिल हैं। दोस्तों ये थी इंडिगो की पूरी कहानी। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।